मीडिया दर्शन और मेरा नाम है अंजलि तिवारी। अभी मैं मौजूद हूँ सासाराम के बीच चौराहे पर, जहाँ आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि सासाराम चारों तरफ, यानी कि सासाराम का जो शहर है वो चारों तरफ जाम लगा हुआ है। डीएम धर्मेंद्र कुमार के आ जाने के बाद सासाराम में ये पहली बार ऐसा जाम लगा है कि सासाराम का पूरा चौक चौराहा जाम है। मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि आप जाम की उस कंडीशन को दिखा दें जो शहरवासी जाम के बीचों बीच फंस रहे हैं। हम आपको बता दें कि शहरवासियों को लगा था कि जिला अधिकारी के निर्देश और नए सिस्टम के बाद शायद सासाराम के लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जाम पहली बार नहीं लगा है, बल्कि पोस्ट ऑफिस चौराहे पर हर दिन ये जाम की समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ आज पहली बार शहर के हर चौक चौराहे पर जाम लगी है और घंटों भर लोग इसमें फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी की छुट्टी के बाद बच्चों के स्कूल खुल गई है और 5 घंटे के स्कूल करने के बाद जो बच्चे सोचते हैं कि जल्दी से हम घर पहुंच जाएं, तो ऐसा हुआ नहीं। बच्चे जाम में फंसे हुए हैं और घर जाने की इंतजार कर रहे हैं कि जाम कम हो तो बच्चे घर पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि नगर निगम के तरफ से कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मूड में नगर निगम के अधिकारी नजर आए थे, जो पोस्ट ऑफिस चौराहे के बगल में अतिक्रमण मुक्त कराने का कार्य कर रहे थे, ताकि उन्हें लग रहा था कि अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा तो शहर के बीच चौराहे पर जाम की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने अथक प्रयास किया, उन्होंने एक हद तक प्रयास किया कि अतिक्रमण मुक्त हो जाए तो सासाराम के जो जाम की समस्या है उससे लोगों को निजात मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अतिक्रमण मुक्त तो हो गया, ठेले पलटे गए, वहाँ से ठेले हटाने के लिए ठेले वाले को धमकाया गया, सब्जी वाला को सब्जी पलटा गया, फल के ठेले पलटे गए, अन्यथा कोशिश किया गया कि जाम की समस्या से निजात मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरा सासाराम जाम पड़ा हुआ है और जाम में फंसे एक एक घंटा लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बच्चे भी फंसे हुए हैं, स्कूल बस भी फंसा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, ये जाम की समस्या जो उत्पन्न हो रही है वो इसलिए हो रही है कि लवारिस गाड़ियाँ जो है ना सासाराम नगर निगम में, कोई कहीं भी पार्क करता है, अपना काम करता है और घंटों भर लवारिस गाड़ियाँ जहाँ तहाँ खड़ी रहती है, जिसके कारण ये जाम की समस्या उत्पन्न होती है। मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि न्यायालय की तरफ की तस्वीर दिखा दे कि वहाँ कितनी सारी गाड़ियाँ लगाई गई है और उस गाड़ियों के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। इधर की भी आप तस्वीरें दिखा दें जो धर्मशाला रोड की तरफ जाती है, इधर भी जाम की समस्या उत्पन्न है, लोग परेशान हैं, कई सारे बच्चे फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस जाम में एम्बुलेंस तक फंसा हुआ है, मेन चौराहे से निकलने की एम्बुलेंस तक की रास्ते नहीं है। सर, जाम की समस्या का कारण क्या है? सर, यहाँ पर जाम की समस्या देखा जा रहा है कि लगातार यही मूलता जो जाम होना मिल रहा है, सिविल कोर्ट डे कोर्ट हो गया, तो कुछ गाड़ी जो है ना सिविल कोर्ट के सामने, कुछ सामने अधिवक्ता अदालत प्लस कुछ आम आदमी द्वारा सामने रोड पर लगा दिया है, जिसके कारण जाम की समस्या हुई। आज से डे कोर्ट हुआ, आज से स्कूल भी खुल गए हैं, कार्यालय भी है, तो मंडे का दिन हो उस कारण। तो आप लोग के माध्यम से यही अनुरोध करेंगे कि जो भी हो रोड पर गाड़ी ना लगाए। हम लोग कुछ गाड़ियों को पकड़े भी हैं, कुछ को फाइन भी कर रहे हैं और लगातार ये अभियान करेंगे। लगातार सर, जो ये यहाँ पर एक कचहरी है, इसी के सामने कुछ एडवोकेटों के द्वारा रास्ते पर गाड़ी लगा दी जा रही है, और अभी आपके द्वारा 3-4 गाड़ियाँ जो जब्त की गई है, उस पर क्या फाइन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? निश्चित हम लोग उसको नियमित फाइन करेंगे, DTO भी आएंगे, उनको हम लोग बताएंगे उसमें जो नियमित होगा फाइन करेंगे और भविष्य में ना लगाए इनसे अनुरोध करेंगे।